आज हम बनाएंगे चिकन पफ। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज इस वीकेंड हम लोग बनाएंगे चिकन पफ, और बहुत ही सिंपल तरीके से। और वैसे भी मेरी सारी रेसिपी सिंपल ही होती है। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले मैं बटर को मेल्ट कर रही हूँ, और दूसरी साइड मैंने रॉ चिकन लिया है जो कि बोन वाला चिकन है। आप इसके जगह पर बोनलेस चिकन भी ले सकते हो। फिर मैं मैदा ले रही हूँ, थोड़ा सा नमक डालना है, फिर जो हमने बटर को मेल्ट किया है वो मिला लेंगे। पहले इन सबको बहुत अच्छे से मिला लेना है। इसके बाद हम आटा को गूंदेंगे थोड़ा थोड़ा पानी देकर। आटा थोड़ा सख्त होना चाहिए। और फिर हम छोड़ देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट तक। और फिर हम बटर लेंगे। बटर को इस तरह से घीस लेना है, ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको पफ में टेस्ट लाना है तो। उसके बाद कुछ नहीं करना है, एक नींबू ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और फिर सबको अच्छे से मिला लेंगे। फिर 15 से 20 मिनट के बाद फिर से हमें थोड़ा सा गूंथना है। अगर आटे की रिक्वायरमेंट हो तो आटे लगा लेना है, नहीं रिक्वायरमेंट है तो नहीं भी लगाना है। और ये जो हमने बटर को रेडी किया था ना नींबू के जूस के साथ, फिर उसको हम सेंटर में डालेंगे। इस तरह से फोल्ड कर लेना है दोनों साइड से, फिर साइड वाला भी फोल्ड कर लेना है। ये जो बटर बच गया है ना वो मैं लगा दे रही हूँ। फिर इस तरह से फोल्ड करके छोड़ देना है 20 मिनट तक, कम से कम तो 15 से 20 मिनट तक तो छोड़ना ही है। अब क्या करना है कि जो हमने चिकन बॉईल किया था ना उसको निकाल लेना है पानी से। ये मैंने जीरा डाला और प्याज, चला लेना है थोड़ा सा। फिर हरी मिर्च भी ऐड कर लेंगे, टमाटर भी, ये हमें पकाना है। नमक डाल देते हैं ताकि गल जाए अच्छे से जल्दी। अब क्या करना है, चिकन से जो बोन है वो निकाल लेने हैं, बहुत आराम से बहुत जल्दी निकल जाएगा। फिर हम प्याज और टमाटर वाला जो मिक्सचर है उसमें मिला लेंगे। फिर डालेंगे हल्दी, जीरा पाउडर भुना हुआ लेना है, धनिया पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला और थोड़ा सा चिकन मसाला। फिर सबको बहुत अच्छे से मिला लेना है। जिसमें चिकन को बॉईल किया था ना वही पानी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ऑलरेडी बॉईल है हमारा चिकन, बट थोड़ा सा पानी इसे ऐड कर रही हूँ ताकि जो मसाले हैं ना वो भी अच्छे से पक जाए। ये थोड़ा सा मैंने ऐड किया है आमचूर पाउडर। ये लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ सेजवान सॉस, अगर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप किया जा सकता है।
फिर सबको बहुत अच्छे से मिला लेना है, बस गैस बंद कर देना है और छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। नींबू का जूस भी ऐड कर रही हूँ। पंद्रह से बीस मिनट के बाद फिर से इसको बेल लेना है। बेल लेना है, लंबा कर लेना है, फिर जैसे हमने लास्ट टाइम में फोल्ड किया था वैसे ही फोल्ड करके रख देना है। फिर से हम छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट तक। इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, आप चाहो तो ये पहले से रेडी करके रख सकते हो, फिर चिकन रेडी करके आप दोबारा पफ बना सकते हो, बट मैं ये इंस्टेंट बना रही हूँ इसलिए साथ साथ में ही बना रही हूँ। फिर 20 मिनट के बाद अब हम इसको बेल लेंगे और ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, फिर हम बेल लेंगे इस तरह से। ये मैं कट कर रही हूँ। कट कर रही हूँ सेंटर से, बीच में मैं चिकन का मसाला भरूंगी। और कुछ नहीं करना है, साइड साइड में पानी लगा लेना है ताकि अच्छे से चिपक जाए, खुले नहीं जब हम इसको कुक करेंगे। तो वॉक की हेल्प से अच्छे से पैक भी हो जाएगा और थोड़ा सा दिखने में भी सुंदर लगेगा। फिर मैं ये अरेंज कर लूँगी, ये दूसरा भी इसी तरह कर लेना है। और इस तरह से हम सारा बना के रेडी कर लेंगे। अवन में डालने से पहले हम इसको प्रीहीट कर लेते हैं, उसके बाद ऊपर से बटर डाल लेना है ताकि थोड़ा सा जो कलर आए ना पफ का वो सुंदर सा आए। ऑलरेडी हमने बहुत बटर डाला हुआ है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बटर कम डाल रही हूँ। और फिर हमें ये अवन में डाल लेना है और इसको सेट कर देना है 230 डिग्री पे 25 मिनट्स के लिए। और ये देखिए बनके रेडी है, कितना अच्छा हुआ है ना, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा। थोड़ा सा बटर लगा लेना है ताकि शाइन आ जाए पफ पे। और ये मैं अरेंज करके दिखाती हूँ, सर्व करना तो जरूरी है ना। ये देखिए अपना चिकन पफ रेडी है, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना अच्छा है ना, और टेस्टी बहुत ज्यादा। सो इस वीकेंड आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, आपकी रेसिपी कैसी बनी है मेरे साथ जरूर शेयर करें। आप मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जरूर फॉलो करें, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवाएं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, अभी के लिए बाय बाय। और मेजर तो आया नहीं है फिर भी बाय बाय।